वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कास्टनेट का पूरा प्राइस बताने वाला हूं, फेंकने वाले जाल का पूरे डिटेल में जो है आपको जानकारी दूंगा कि कितने फीट का होता है, कितने फीट का आता है, इसका प्राइस क्या क्या आपको रहेगा, कुरियर की पूरी जानकारी दूंगा, ए टू जेड सब कुछ बात करेंगे। और कंप्लीट बना बनाया कुरियर से आप अपने घर पर कैसे मंगवा सकते हो, चाहे वो रिंग वाला हो या नॉर्मल हो, दोनों ही जाल आप जो है आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊँगा, हर जाल के बारे में जो है दोस्तों अलग से बात करेंगे। 8 फीट का हो, चाहे 6 फीट का हो, या 10 फीट का हो, 12 फीट का हो, 15 फीट का हो, उसको आप तालाब में फेंकोगे तो कितना खुलता है और उसके वेट के बारे में सब कुछ जो है डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहना, वीडियो को पूरा देखना, साथ ही आप लोगों को कुरियर की भी जानकारी दूंगा कि आप लोग कैसे मंगवा सकते हो आसान तरीके से, और साथ ही आप लोगों को एक ऐसे होलसेलर का नंबर बताऊँगा जिससे बात करके आप लोग जो है दोस्तों बहुत ही सस्ते प्राइस में जाल हर तरह का फेंकने वाला अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले शुरू करेंगे हम 6 फीट का जो बेसिक जाल फेंकने वाला नॉर्मल जो होता है 6 फीट का, वहीं से हम लोग जो है शुरू करेंगे। और उसके बाद जो है आपको 15 फीट तक की जो है मैं जानकारी दूंगा, पहले नॉर्मल की बात करेंगे, बाद में रिंग वाले की जो है बात करेंगे। रिंग वाले में क्योंकि 2-3 साइज का ही आता है, तो 6 फीट का जो है आप लोग दोस्तों ले सकते हैं फेंकने वाला जाल, जिसमें जो है 3 किलो या 2 किलो या 1.5 किलो तक जो है वजन लगा रहेगा, और आपको जो है 6 फीट का जो है जाल आएगा कंप्लीट बना बनाया। किसी भी कलर में ले सकते हैं आप, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है फोटोज, तो आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं, सारे कलर में सब में जो है 6 फीट का जाल अवेलेबल है। 6 फीट का जाल आपको जो है दोस्तों प्राइस की बात करें तो 650 रुपए का पड़ेगा अगर आप एक पीस लेते हैं। अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको जो है प्राइस और भी कम हो जाएगा, और भी होलसेल प्राइस में जो है कम से कम प्राइस में आपको लगेगा। तो ये एक जाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों 6 फीट की। अब जो है दोस्तों आते हैं 8 फीट वाले पे, तो 8 फीट वाला भी अगर आप लोग जो है इसी तरह से है, अगर 8 फीट वाला लेते हैं किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसमें जो है 8 फीट वाले में हर इसका होल का बहुत लोग पूछते हैं कि भाई उसका होल जो है वो कितना बड़ा रहेगा, तो ये हर साइज में होता है होल जो है, 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली 4 उंगली या 1 इंच 2 इंच 1 इंच 2 इंच, जिस तरह से आप समझ लें होल जो है उसका हर साइज़ में अवेलेबल होता है, या जो भी आप बोलेंगे होल का साइज़ वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको बता देना है, जब भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बता देना है कि इस साइज़ में चाहिए। 8 फीट का भी दोस्तों आपको बस इसी रेट में पड़ेगा, 800 रुपये से लेके और ये आपको 1100 रुपये तक का जो है पड़ेगा, क्योंकि इसके वेट के ऊपर बात है, आप कितना वज़न लगवाते हैं, 3 किलो या 2 किलो या 2.5 किलो, जैसा आप वज़न लगाएंगे, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 800 रुपये से लेके 1100 रुपये तक का जो है आपको 8 फीट वाला आएगा। और जो भी जाल की अब मैं बात कर रहा हूँ, तो 8 फीट वाला लेंगे उसको तालाब में फेंकेंगे तो 16 फीट खुलेगा। इसी तरह से दोस्तों आपका ये वाला जो है 6 फीट वाला, जब इसको आप तालाब में फेंकेंगे तो ये आपका जो है 12 फीट खुलेगा। इसी तरह से जो भी जाल होता है तो वो डबल खुलता है तालाब में, ऐसा आप मान के चलिए। तो 8 फीट वाला भी इसी तरह से दोस्तों आप जो है जैसे ही तालाब में उसको फेंकेंगे तो 16 फीट के करीब जो है वो खुलेगा। इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 800 रुपये से लेके 1100 रुपये तक का है, जैसा भी आप नीचे वेट लगवाएंगे उस हिसाब से जो है उसका प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों बात आती है 10 फीट और 12 फीट वाले की, तो 10 फीट वाला भी आप इसी तरह से ले सकते हैं, 20 फीट 25 फीट के करीब तालाब में वो खुलेगा, और वो आपको जो है 1200 से 1500 रुपये तक का जो है पड़ेगा। उसके वेट के ऊपर बात है, आप चाहे 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 6 किलो, उसमें 7-7 किलो तक जो है वेट लोग लगवा लेते हैं। तो अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो उस हिसाब से आप वज़न लगवा सकते हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि 1200 से 1500 रुपये के बीच में जो है ये आपको पड़ेगा, और बहुत ही बेहतरीन जाल होता है, काफ़ी बड़े साइज़ में होता है दोस्तों। एक बार में जो है 1000-1500 की आप मछली जो है तालाब से या किसी भी नदी से आप जो है आसानी से पकड़ सकते हैं। 10 फीट वाला बहुत ही बड़ा जाल होता है। उसके बाद 12 फीट वाला भी आप मान के चलिए कि उससे बड़ा ही होगा, फिर उसमें भी वेट जो है इसी हिसाब से लगेगा, तो 12 फीट वाला आपको 1500 रुपये तक का जो है पड़ेगा, और वेट उसमें इसी हिसाब से 4-5 किलो 6 किलो तक जो है वेट लगा के देंगे। अगर आपको यूज़ करना है तो अपने हिसाब से लगवा सकते हो, या फिर अगर आपको आगे सेल करना है, कहीं बेचना है,
तो वो भी आप जो है कर सकते हो, उसके हिसाब से जैसा हमारे पास होता है बना बनाया आप सीधे वैसा ले सकते हो और उसको जो है आसानी से आप कहीं भी बेच सकते हो। तो इसके बाद जो है दोस्तों अब बात करेंगे 15 फीट वाले की। 15 फीट वाला बहुत ही बड़ा हो जाता है, 15 फीट का ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता है। आपको अगर लगता है कि भाई 12 फीट वाला भी मेरे को कम पड़ रहा है तो 15 फीट वाला आप बनवा सकते हो, वो सीधे 30 35 40 फीट के करीब फिर तालाब में खुलेगा। 35 40 फीट जो है तालाब में खुलेगा तो आप समझ सकते हो उसको संभालना आपके ऊपर है। उसमें आप 8 किलो 10 किलो तक भी वजन लगवा सकते हो जितना आप संभाल पाओ। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप बिल्कुल नए हो इस लाइन में, कास्ट नेट आपने कभी यूज़ नहीं किया तो आप 8 फीट का या 10 फीट का आप लो फर्स्ट टाइम, वो आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप जो है ले सकते हैं। हर जाल का मैंने आपको प्राइस बता ही दिया, कोई भी जाल जो भी आप लेंगे, ये फेंकने वाला जाल जो भी बता रहा हूँ 1500 रुपये के अंदर ही इसका प्राइस है। स्पेशल अगर आप कुछ बनवा के लेंगे तो वो जो है 2000 रुपये तक जो है जा सकता है अगर आप कुछ बनवाएंगे तो, नहीं तो नॉर्मल जो है वो मान के चलिए 12 फीट और 15 फीट का मैंने आपको बताया। अगर आप साइज़ कम वाला लेंगे 6 फीट या 8 फीट का तो उसी हिसाब से जो है प्राइस कम हो जाएगा और उसके हिसाब से ही आपको जो है प्राइस लगाया जाएगा जो मैंने आपको बताया। हर जाल जो है दोस्तों आप लोग अपने स्क्रीन पे फोटो उसका आपने देखा ही, जो भी मैं बता रहा हूँ तो उसका फोटोज आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब बात करेंगे दोस्तों ये किस धागे में होता है, तो ये बात जो है बहुत से लोगों ने पूछा है। तो ये नाइलोन और तंगूस के धागे में भी हो सकता है, मोनोफिलामेंट धागे में भी हो सकता है। अब ये रिंग वाले की बात आती है दोस्तों, तो रिंग वाला जाल भी आप लोग जो है इसी तरह से आसानी से ले सकते हैं। 8 फिट 9 फिट और 10 फिट तीन साइज में ये जो है अवेलेबल होता है, इसको भी आप इसी तरह से आसानी से मंगवा सकते हैं। तो ये भी इसी प्राइस में पड़ेगा आपको 2100-2100 रुपये का जो है ये मान के चलिए आता है, 2100-2200-2500 तक का जो है ये आपको पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है कुरियर वगैरह का जो भी है वो लग जाएगा इसके साथ में। आगे मैं आपको कुरियर की पूरी जानकारी दूंगा, बने रहिए आप, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि कुरियर जो है कुरियर से जाएगा तो वो सबका चार्ज वगैरह लगा के आप जो है 2500-2600 तक का जो है पकड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों 8 फीट का जो आता है वो 2000-2200 रुपये तक का है, 9 फीट का जो है 2400 का है, इसी तरह से 10 फीट का जो है वो 2800 रुपये का इसमें रिंग वाले में आपको आएगा। उसके बाद जो है दोस्तों अब बात करेंगे कुरियर की, तो कुरियर जो है बहुत ही आसान है। आप लोग जानते ही होंगे कुरियर से जो है कोई भी सामान एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है तो आप जानते ही होंगे कैसे भेजना है। तो किसी भी कुरियर जो है, जैसे मान लीजिए DTDC कुरियर या प्रोफेशनल कुरियर सर्विस हो गया, तो इनमें से जो है किसी भी कुरियर के जरिए हम लोग आसानी से लगा देंगे, आपका एक जाल दो जाल जो भी होगा वो कुरियर से चला जाएगा। कुरियर से जो है जो भी पैसे लगेंगे, कुरियर का जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो भी आपको जो है पे करना होगा, और ये सब पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई पेमेंट कैसे करना होगा, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जो है आपको पहले मैसेज करना होता है। तो अब जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ होलसेलर, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो उन्हीं से आपको जो है कॉन्टैक्ट कर लेना है। हर तरह का जाल होलसेल प्राइस में, सबसे सस्ते प्राइस में उनके पास अवेलेबल है और आप लोग जो है आसानी से मंगवा सकते हैं। इनका जो है गोदाम है पूरी तरह से, और ये जो है दोस्तों पूरे इंडिया में हर जगह डील करते हैं, कहीं भी आप जो है मंगवा सकते हैं। मुंबई में इनका जो है जाल का शॉप है, अपना खुद का जो भी है मुंबई में हेड ऑफिस है, उसके अलावा दिल्ली में भी है इनका, और आसाम बंगाल से भी जो है इनका माल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो आप जो है आसानी से मंगवा सकते हैं, सस्ते से सस्ते प्राइस में जो है आपको मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, आप जो है आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो कुरियर के बारे में आपने जान लिया, मंगवाना भी बहुत ही आसान है। मैंने सेलर का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे वहाँ पर आपको जो है नंबर मिल जाएगा और आप जो है उनसे बात करके आसानी से मंगवा सकते हैं और सबसे सस्ते प्राइस में मिलेगा आपको। और ये जाल जो है जो भी आपका नज़दीकी शहर होगा, मान लीजिए जहाँ से भी है, तो वो आपको अपना पूरा डिटेल जो है व्हाट्सएप पर बता देना है, या आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, तो आप जो है आसानी से कॉल भी कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।